तो रुद्रेश जी सबसे पहले जानते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या एक्सेल के जी डिफरेंट फीचर हैं, या कोई ऐसा कमांड है, क्या कोई अलग एक्सेल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जी माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं भी चीज का मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई ये जो चीज है एडवांस में है, ये चीज हमारा बेसिक है। ओके ओके, बेसिक एडवांस डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर। तो आपको हम इस पे हम जो है एग्जाम्पल दो देंगे, दोनों में आप कंपेयर करेंगे कि बेसिक और एडवांस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा, जस्ट इसके बगल में 30 टाइप कर दिया, और मैंने 20 को कॉपी किया, 30 के ऊपर पेस्ट किया, तो 30 रिप्लेस हो गया 20 से। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, पेस्ट की जगह पे मैं पेस्ट स्पेशल करता हूं, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में हमारे पास परमिशंस होते हैं, कुछ कॉपी जहां से किया है ना उसके साथ कुछ अलग चीज पेस्ट करने का, मतलब कि उसका पूरा नहीं, कुछ पार्ट को पेस्ट करने का। इसी में नीचे आता है कैलकुलेट ऑपरेशन, जिसमें कैलकुलेशन है, जैसे कि हमने ऐड कर दिया, अब दोनों नंबर के बीच में एडिशन होगा और रिजल्ट यहां पेस्ट हो जाएगा। एक बार करके और दोनों दिखाता हूं, हाँ एक बार और करके दिखाता हूं। अब की बार मैं मल्टीप्लाई सेलेक्ट करता हूं, तो क्या होगा, 50 और 20 के बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपने जाना कि कहीं से कॉपी करके कहीं आप पेस्ट करते हो, और इस पेस्ट स्पेशल में ऑपरेशन सेलेक्ट करते हो, तो जहां से कॉपी हुआ है और जहां पेस्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो आपको ये लग रहा होगा कि कोई खास चीज नहीं है, इसका क्या बेनिफिट है, कोई बिल्कुल यूज समझ में नहीं आ रहा होगा। अब नहीं चलिए इसी टॉपिक को मैं अपने एडवांस एक्सेल की क्लासेस में समझाऊं। तो उससे पहले मुझे यहां परसेंटेज लिखना होगा, जैसे कि 20% लिखना है तो 20% सैंपल। अगर मैं 20 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, कर्सर इसके ऊपर रखा और परसेंट का सिंबल दिया, तो क्या हो जाएगा, 2000% इसका मतलब है कि एक्सेल में 1 = क्या होता है, 100%। गया 100%। आपको बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20, मतलब कि डेसिमल में लिखना पड़ेगा, और फिर इसके ऊपर परसेंटेज होगा, समझ गए। हाँ मतलब कि लिखते से परसेंट का सिंबल दिए तो कोई बात नहीं, आप चाहते लिखने के बाद दे तो फिर आपको डेसिमल में लिखना होगा, 50% है तो 0.5, 70% है 0.70, अगर आपको 72% है 0.72, ऐसे अच्छा फिर उसको सिलेक्ट करके मल्टीपाई यहां से परसेंटेज का सिंबल देंगे तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यही एक प्रॉब्लम थी मेरे कलीग के साथ। मेरे कलीग में एक डेटा भेजते थे, उन्होंने क्या किया कि कुछ परसेंटेज का हेडिंग दे दिया और दे दिया हमें कुछ नंबर। अब मेरे कलीग के हिसाब से ये सारे नंबर जो अभी रैन बिटवीन से आए हैं, ये सारे नंबर परसेंटेज में, पर एक्सेल के अकॉर्डिंग ये नंबर, मतलब अगर 500 का 71% अगर परसेंट फॉर्मेट में है, अब मैं इसको माइनस इसको कैलकुलेट करूंगा, जस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 355। लेकिन यही चीज मैं करता हूं कि अगर यहां पे 71 नंबर में लिखता हूं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट गलत आएगा, हमें अपने गलत आएगा। फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डिवाइड बाय 100। बिल्कुल क्या अब यही प्रॉब्लम हो गई कि जहां मुझे इस डेटा को यूज करना है वहां और भी बहुत सारे डेटा हैं, और भी बहुत सारे डेटा जो कि ऑलरेडी परसेंट बेस पे हैं, तो मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकता, राइट। तो मुझे इस डेटा को यूज करने से पहले यही पे परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके मैं यहां परसेंट का सिंबल नहीं दे सकता ना, क्योंकि फिर तो 71 100% हो नहीं वो जाएगा। तो नहीं होगा। तो
मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं F2 प्रेस करूं, एक एक सेल पे जाऊं, परसेंट का सिंबल दूं इस तरह से, या F2 प्रेस दूसरा करने के बाद। हाँ F2 प्रेस करूं, जैसे F2 प्रेस किया, परसेंट का सिंबल दिया, एंटर प्रेस किया, या दूसरा सारे नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं और फिर इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दे। पहला तो नहीं होगा, क्योंकि तो अगर डेटा छोटा सा है तो कर लीजिएगा, लेकिन डेटा बहुत बिल्कुल बड़ा है तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। बिल्कुल अब बोलेंगे सर तो दूसरा जो हमारा परसेंट वाला है वो भी तो वही है, तो वो भी उसके सेम ही है। लिए मैं ये जो यहाँ पे जो मेथड था, इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा। एक किसी सेल पे 100 टाइप करूंगा, इस 100 को कॉपी करूंगा और पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां कर दूंगा डिवाइड। हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, परसेंटेज डेसिमल आ जाएगा बन ना। जाएगा। 71 को 100 से करेंगे तो 0.71 होगा। 0.7 बन जाएगा अब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो सारे परसेंटेज। इसे कहते हैं एडवांस एक्सेल, समझ गए। बिल्कुल इसी चीज को मैं यहां समझाता C1 पे तो आप हल्के में लेते, लेकिन उसी टॉपिक को हमने एक प्रॉब्लम के साथ डिक्लेयर किया तब आपको पता चला कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो जी एडवांस एक्सेल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े फॉर्मूला जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा ये फॉर्मूला, दिख रहा है सर, इतने ये बड़े फॉर्मूला एक फॉर्मूला कंडीशन लगा है। दें, इसका मतलब नहीं है कि वीलो आपका जो है एडवांस एक्सेल हो गया। एडवांस एक्सेल का मतलब है स्मार्ट वर्क। मेरा स्लोगन यही है, नॉट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, क्या स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा हुआ है कि मैंने मुझे ये बहुत पहले मैंने इसका यूज किया था, आज से तकरीबन 16 साल पहले, 15-16 साल पहले यूज किया होगा इसको। हुआ क्या था कि मुझे शिफ्ट कर दिया गया था अकाउंटिंग के अंदर, और मुझे दे दिया गया था अटेंडेंस, 1700 एम्प्लॉई की अटेंडेंस बनाने का काम दे दिया गया। हुआ क्या था कि जो अटेंडेंस मेंटेन करने वाला बंदा था वो अचानक से अब्सकॉन्ड हो गया, छोड़ के भाग गया। अब सैलरी आने वाली है, 7 तारीख को सैलरी जानी है, 5 को बैंक को भेजना है, और 3 तारीख हो चुका है, अटेंडेंस ही नहीं हुई, क्योंकि पहले तो रजिस्टर में अटेंडेंस चलते थे ना सर। बिल्कुल पहले रजिस्टर बनते थे। अब 1700 एम्प्लॉई है उनका रजिस्टर, 1700 एम्प्लॉई का तकरीबन वही 20 या 22 रजिस्टर थे, जिसमें से सारे एम्प्लॉई का अटेंडेंस मुझे एक्सेल सीट पे चढ़ाना था और फिर उसको वेरीफाई करना था, ठीक है सर। ओके तो मैंने क्या किया पता है, मैंने लगाया दिमाग, मैंने लगाया एक बंद महीने में एवरेज एक बंदा 2 दिन की छुट्टी करता है ऑफिस में, बिल्कुल करता है ना सर। एवरेज बिल्कुल निकाला एक जाए तो सारे बंदों का एवरेज निकलेगा तो दो दो छुट्टी एवरेज पड़ता है पर बंदा। तो मैं 1700 की सब मैं यहाँ पे 1700 एम्प्लॉई का 1700 मल्टीप्लाई बाय 31 सेल क्यों टाइप कर, मैं 52,700 सेल क्यों टाइप करूं, मैं जस्ट टाइप करूंगा 3400 सेल। मतलब मैंने क्या किया कि एक सीट लिया और लीव का सीट लिया, सिर्फ एक हॉलीडे का सीट ले लिया, जिस दिन कंपनी बंद थी उसका सीट ले लिया कि इस दिन हॉलीडे है, एक लीव का ले हाँ लिया। लीव ले लिया, जिस दिन जो छुट्टी पे था उसका आईडी नंबर डेट और डालता गया, छुट्टी देता गया, और मैंने इसको मैच भी कर लिया, क्योंकि कम टाइप करेंगे तो हमारा गलती भी तो कम होगा। बिल्कुल तो मैंने क्या किया, 1700 मंथली में, और कंपनी में ऐसी थी कि छुट्टियां बहुत कम होते थे, रेयर केस में छुट्टियां होते, भी ऑफिस वाले छुट्टी करते थे, फील्ड वाले छुट्टी तो करते ही नहीं थे वो, तो फील्ड वाले तो फील्ड से ही काम निकाल लेते थे। तो मतलब मैं मुझे 1.5 या 2 घंटा लगा सारे लीव्स की एंट्री करके उसको एक बार फिर क्रॉस चेक करने में, और क्रॉस चेक करने के बाद हमने ये फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, इस फॉर्मूले की मदद से सारे को कॉल कर लिया, तो आधा घंटा मुझे लगा इसको बनाने में।
फॉर्मूला ठीक को है। बनाने में। तो मैंने सिंपली कर दिया कि भाई इस डेट को चेक करो, संडे तो नहीं है, अगर संडे है तो वीक ऑफ दे दो। इस डेट को चेक करो कि क्या इस दिन कोई हॉलीडे तो नहीं है, अगर हॉलीडे नहीं है, हॉलीडे है तो एच कर दो। फिर एच इस कर डेट को दे। और इस आईडी को चेक करो कि लीव में क्या एंट्री है, जो लीव में एंट्री है वो दे दो, जैसे लीव है एंट्री दे दो। अगर ना संडे है, ना हॉलीडे है, और ना इस नंबर और इस डेट की लीव में एंट्री है, इसका तो मतलब पी वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट है लगा दिया, ड्रैग कर दिया। बिल्कुल। ड्रैग करने के बाद पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाला लेटर हेड पे, फाइल बना के बॉस को भेज दी, और मैं चला आया घर। बॉस शाम को 3 बजे फोन कर रहे हैं। मेरी एक आदत थी, मैं ऑफिस में खाली नहीं बैठता था, और मेरे पास कोई, मैं पूछता था कोई काम है तो नहीं है, कोई काम नहीं है तो मैं आराम से उठता था, बैग उठा के घर निकल आता था, क्योंकि मैं ट्राई नहीं करता था, मैं पढ़ता भी था। और बॉस को मैं इसमें एक्सप्लेन कर दिया था, बॉस ने मैंने कई एक दो बार ऑब्जेक्शन उठाया था, तो ड्यूटी से पहले क्यों निकल गया। तो बॉस काम देना है तो काम दीजिए, काम देकर रात को 9 बजे तक बैठाना तो 9 बजे तक बैठा दीजिए, अगर काम नहीं है तो फालतू में ऑफिस में बैठाना से अच्छा है कि मैं घर आकर कुछ पढ़ लूं, मैं पढ़ता। ये बनियागिरी वाली बात मत कीजिए कि आपका 9 से 6 का ऑफिस है, 6 बजे तक बैठना ही 9 से पड़ेगा, 6 है तो 9 से 9 से 6 ही 6 रहना है। रहना ही पड़ेगा। ये कीजिएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हम वही, फिर हम काम जो है, फिर वो बाकी स्टाफ की तरह में काम करना शुरू कर देगा। फिर 3 दिन का, 1 दिन का काम 3 दिन करेंगे, आपका 3 दिन का काम 1 दिन में करते हैं, इसका मतलब है कि क्या आप भी अपने तरफ से कुछ दीजिए। इम्प्लॉय देखिए कौन इम्प्लॉय कैसा है। तो एक दो बार मैंने समझाया तो बॉस समझ गया कि अगर कोई काम ना हो तो सुजीत को जाने देना, उसको कुछ मूड करना, ठीक है। और जिस दिन काम होती थी उस दिन 3 बजे मेरी शिफ्ट, 3 या 4 बजे शिफ्ट खत्म होती थी, तो मैं रात के 9-9 बजे तक बैठता था, ये भी जानता है, समझ देखो समझ काम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, काम है तो। में। हाँ तो काम ही था, जगह अटेंडेंस में बना के दे के चला आया। बॉस बोलता है कि तू कब गया है, फोन करके मैं 12 बजे निकल आया। अबे तू 9 बजे ऑफिस आया, 10:30 बजे मैं तुमको काम दिया, तू 12 बजे बोलता है काम खत्म हो चला गया, घर चले गया। हाँ बॉस, मैं अटेंडेंस तरह बना दिया, घर चला दिया। फिर 1.5 घंटे में तूने क्या अटेंडेंस, कॉपी पेस्ट तो नहीं मार दी। अब भाई बॉस, अगर आपको शक लगता है तो आपके आप पास तो बहुत सारे स्टाफ है, चेक करवा लो, वेरीफाई करा लो। वेरीफाई करा लो। 4 तारीख की बात थी, 5 को बैंक को सैलरी भेजना है। दो बंदे को रखा, दो बंदा पूरी रात मिलके चेक किया, तो एक गलती निकला, वो भी गलती निकला ओवरराइटिंग की वजह से। रजिस्टर के ऊपर में एक ओवरराइटिंग पी हो गई बनाया थी। हुआ था जो कि समझ में नहीं आया, तो हमने उसको ए डाल दिया, अब्सेंट डाल दिया, बल्कि वो प्रेजेंट था, समझे ना। फिर बाद में मैंने, किसी ने ओवरराइटिंग डाल क्यों दिया होगा, दो पार में आया होगा तो क्रैक किया होगा, तो मैं तो उसको अब्सेंट ही, ओवरराइड को अब्सेंट ही मानूंगा ना। तो बॉस ने बोला कि हाँ, ये कैसे किया तू मुझे बताओ, कि 100% एक्यूरेसी, वो भी इतना स्पीड से कैसे किया। क्योंकि तो हम, मैंने से बोला कि माँ बॉस, हम बिहारी है, हम आगे से हम पीछे से सोचते हैं, ऐसे बोले। आप सोचते हैं कि 1700 से 1700, आप सोचते हैं कितना ज्यादा काम करना है, हम सोचते हैं कि कितना कम काम करना। इतना कम काम करना आपने देखा है कि भाई सही। मुझे 34 54 हजार समथिंग जो है, अब सेल में पी और ए पी और डब्ल्यू लिखना है, हमने सोचा कि मुझे सिर्फ लेवी तो लिखना है, बाकी तो ऑटोमेटिक पी है, खाली है। और आज आज तक उस कंपनी में मेरा बनाया हुआ ही अटेंडेंस शीट शाम काम चलता है, समझ गए। डेली बेसिस पे जो छुट्टी, वही रसान के टाइम में जो छुट्टी होता है वो जाके लीव में मार्क हो जाता है, उस दिन का अटेंडेंस ऑटोमेटिक, यहाँ देख रहे हैं ना, 13 तारीख के 14 की अटेंडेंस नहीं बनेगी, कल आप हाँ, देखेंगे 13 तारीख तो कंप्लीट ऑटोमेटिक 14 तारीख की अटेंडेंस इसमें कंप्लीट बन जाए, हो जाएगी। समझ गए। तो ऑटोमेटिक बनते जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एडवांस एक्सेल में, और हम ये चीजें क्यों पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको झेला हुआ है ऑफिस में। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे डैशबोर्ड की, तो आपके क्लासेस में डैशबोर्ड भी है, कई सारे डैशबोर्ड है फॉर्मूले के साथ भी, जैसे कि एक डैशबोर्ड एक फॉर्मूला है आपका, समी वगैरह फॉर्मूले के साथ ये डैशबोर्ड बनेगा, दिख रहा है। ये रहा डेटा, डेटा पे ये रहा डैशबोर्ड, और ये वीकली है और चेंज डायनेमिक है, जैसे कि बिग फोर का है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बिग थ्री का आ गया, बिग फोर, बिग टू, बिग वन, सॉरी, ठीक है सर। और ये फॉर्मूला से बना हुआ। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको कि आपकी पिवट टेबल के जरिए भी हम जो है कई सारे रिपोर्ट, 7-8 रिपोर्ट तो हम पिवट टेबल से ही बनाएंगे, जैसे कि एक अगर हम बात करें ये वाली रिपोर्ट की,
ये देखिए रिपोर्ट दिख रहा है, पीवट टेबल से बना हुआ हाँ ये डेटा है, और हमने सपोर्ट शीट पे सारे पीवट्स लगाए हैं, डैशबोर्ड पे उसको हमने अरेंज कर दिया। तो ये डायनेमिक है, इसमें आर्ट सेलेक्ट करूंगा तो पूरा रिपोर्ट आर्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्लाइसर लगा हुआ है। स्लाइसर ठीक है, इसके बाद और भी रिपोर्ट देखना चाहे तो और भी बहुत सारे डैशबोर्ड। ये आपका डे कौन सा डे में था, ये आपका 23वां दिन था। अगर आप 21वें दिन आते हैं तो 21वें दिन आपको ये पिवोटेबल बताया जाएगा। अभी जैसे मेरी एक फाइल है, अगर मैं उसे शो कर सकता इस तरह के बताए। हाँ, आप अपने फाइल को भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना।